और उत्थान हम मसीहों के लिए एक जीवित आशा है। बाइबल में लिखा है, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जिला दिया, हम सब भी एक दिन जिलाए जाएंगे। और एक चीज है जो हम जिसको हरा नहीं सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को हरा सकता है, जानवर जानवर को हरा सकता है, अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि अपने पैसे से मनुष्य मनुष्य को हरा सकता है, लेकिन एक चीज है जिसको मैं और आप हरा नहीं सकते हैं। कोई बता सकता है क्या, किस चीज को हम हरा नहीं सकते? मौत को मनुष्य हरा नहीं सकता। बाइबल में लिखा है कि ऐसा कौन है जिसका वश मृत्यु पर चला है या प्राण निकलते समय वो उसको रोक ले। हम किसी भी चीज को इस दुनिया में हरा सकते हैं, लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसको मैं और आप हरा नहीं सकते हैं, और उसको जिसने हराया है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा इंसान, पूरा खुदा और पूरा इंसान है, जिसने मृत्यु पर भी क्या करा, विजय पाई। मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? जय ने लिखा मृत्यु को निगल लिया, उसने सिर उचल दिया शैतान का। तो मेरे प्रियो, उत्थान दिवस की जब बात की लास्ट संडे हमने मनाया, ये हमारी भाषा है, ये फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी है। और रसूल का कहने के बारे में मैं सोच रहा था, और जैसे मैं सोच रहा था तभी जब बच्चों ने बोलना शुरू करा तो मुझे कंफर्मेशन मिला कि इसके बारे में मुझे बताना चाहिए। वी रिसाइट मेनी टाइम्स, हर संडे को हम इसको रिसाइट करते हैं, इसको बोलते हैं, लेकिन हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? क्या मैंने कभी सोचा है कि जिस रसूल के अकीदे को या विश्वास वचन को मैं बोलता या दोहराता हूं या दोहराती हूं, उसमें एक्चुअली में सच में लिखा क्या है? क्या मेरा विश्वास है, क्या मेरा ईमान है जिसको मैं दोहराता हूं? और मैं भी इसको बड़े ध्यान से, बच्चे जब गाना नहीं गाए तो मैं उसको पढ़ रहा था कि मैं पूछूंगा, और कभी बच्चों ने इस बात को बोल दिया और इस गीत को गाया और बोला। इसमें 17 और 18 विश्वास है जो मैं दोहराता हूं, जो मैं बोलता हूं कि मैं निकालता हूं खुदा पे, उसके बेटे पर, पवित्र आत्मा पर, कि उसने 35 की हुकूमत में दुख उठाया, वो सलीब पर खींचा गया, ये मैं ईमान रखता हूं, वो मारा गया, वो दफनाया गया, वो मृतकों में से जी उठा, फिर आसमान पर वो चढ़ गया, खुदा की दाहिने जाकर बैठा है, मैं विश्वास करता हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि वो फिर आएगा और मृतकों का और जीवितों का वो न्याय करेगा। फिर लिखा है कि मैं इतना पवित्र आत्मा पर, होली स्पिरिट पर मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं पाप निश्चयाम पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की मुआफी, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस एंड इटर्नल लाइफ पर मैं विश्वास करता हूं। हम डिसाइड करते हैं, नहीं क्या करें, मैं अगर आपने इसको बड़ी गहराई से इसको विश्वास के साथ बनाया है और मन ने इसको कहा कि हां पढ़ूं, मैं विश्वास करता हूं या करती हूं। तो जब उद्धार की बात हम करते हैं तो चेलों ने लिखा विश्वास ना किया, पतरस ने भी विश्वास नहीं किया, यहूदा ने भी विश्वास नहीं किया, 11 ने भी विश्वास नहीं किया, 500 की भीड़ ने भी विश्वास ना किया, मरियम मगदलीनी को भी विश्वास ना हुआ। लिखा है जो बात की वो कहानी सी जान पड़ी और शक करने लगे, एक जगह तो जब 11 को दिखा तो कहने लगे ये भूत है, विश्वास नहीं किया। और लिखा है एक बार जब विश्वास किया तो आनंद के मारे विश्वास तो किया लेकिन संदेह किया। और उस दिन हम देखते हैं कि जब 11 को प्रभु यीशु मसीह चेलों को दिखा तो जब संदेह उठा, भूत उसको बोलने लगे, तो फिर जाकर उन्होंने किसको बताया, बात तो विश्वास के किसको बताया, थोमा को बताया कि प्रभु जी उठा है। थोमा ने कहा कि मैं जब तक प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं लूंगा मैं विश्वास ना करूंगा। और क्या आठवें दिन, उस समय वो नहीं था, उन लोगों के चेहरों के साथ पता नहीं वो किसी ताल से चला गया, अकेला था। यहां पर जब संगति हो रही है, 11 लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, फेलोशिप चल रही होगी, प्रभु के बारे में बातें चल रही होंगी, तब ये एक व्यक्ति उनसे दूर चला गया है और पता नहीं क्या वो कर रहा है, और तब वो कहता मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं इस बात से ये सोचता हूं कि मेरे प्रियो, अगर वो शायद चेहरों के साथ होता तो शायद सब मिलकर उसको विश्वास कर लेते, उसके मन में एक शक पैदा नहीं होता। कई बार हम कलीसिया को छोड़कर या पवित्र विश्वासों की संगति को छोड़कर जब दूर हो
हमारा ईमान बचाता है। कभी भी प्रभु की जो संगति जहां पर है उससे कभी भी दूर मत होइए। जहां प्रार्थना के विषय की बात है उससे दूर आप ना हो, जहां परमेश्वर के भवन आने की बात है उससे आप दूर ना होंगे तो मेरा और आपका विश्वास डगमगाने लगेगा। और फिर देखते हैं कि आठवें दिन का मतलब क्या होगा, आठवां दिन क्या होगा, आठवां दिन पुनरुत्थान के बाद क्या होगा, आज का दिन क्या है, आठवां दिन उस पुनरुत्थान के बाद आज का जो दिन है वो आठवां दिन है। और आज के दिन लिखा है यीशु मसीह फिर से उन चेलों को उठाया, उनको प्रकट किया उसने अपने आप को। और फिर जब थोमा उस टाइम में नहीं था लेकिन आज वो उनके साथ इकट्ठा है, जमा है, उसने फिर से उनको ज्वाइन किया और वो वेट कर रहा है कि मैं प्रभु को देखूंगा। उसके मन में एक शक पैदा हुआ है और वो कहने लगा कि जब तक मैं उसके पंजे में हाथ ना डालूं मैं विश्वास ना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब थोमा से मिला उसने कहा जरा मेरे पंजे में हाथ डाल। और फिर अचानक से वो बोल बेटा है प्रभु हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने कहा तू तो देखकर विश्वास करता है लेकिन धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और वो मेरे और आपके लिए बचाव है, मैं और आप जब प्रभु को बिना देखे जब उस पर विश्वास करते हैं, उसके पुनरुत्थान पर, उसकी मृत्यु पर, उसके रिजरक्शन, उसके आने पर, उसकी उसके सफरिंग पर, उसके जन्म पर जब हम विश्वास करते हैं तो वो कहता है यू आर ब्लेस्ड पीपल। हम और आप उन चेलों से उस थोमा से भी हम आशीषित लोग ठहराए जाते हैं जब मैं सच्चे मन से इस रसूलों के अकीदे को दोहराता और सच में विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे लिए मरा, प्रभु ने मेरे लिए जान दी, प्रभु ने अपना वैश्विक लहू हम सब के लिए बहाया, प्रभु ने आकर सफल हुआ वो उसके ऊपर थूका गया मेरे लिए, उसके ऊपर काट का ताज रखा मेरे लिए। मैं जब सच्चे मन से कहता हूं कि प्रभु मेरे हर इंडिविजुअल व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, आप चाहे बच्चे हो चाहे आप यहां बैठे स्त्री हो, जब आप प्रार्थना करती है तो आप जब अपने मन में कहते हो प्रभु तू मेरे लिए आया है वो एक सच्चा विश्वास है। ना केवल ये कि पढ़ लेना, ना केवल ये कि प्रार्थना के बाद उसको रिसाइट कर लेना दोहरा लेना, ना केवल ये कि जब वचन पादे साहब या मेरे द्वारा सुनाया जाए तो उसको सुन लेना, लेकिन ये कन्फेशन है, इंडिविजुअल कन्फेशन है। क्या हर कोई हर दुबार अंगीकार करेगी अरे घुटना चुके यीशु ही प्रभु है। Everyone needs to confess that Jesus is the Lord. हर स्त्री हर पुरुष हर बच्चे हर जवान को जब अपने मुंह से यह निकाल करेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है तब आप कह सकते हैं कि मैं प्रभु पर विश्वास लिखा हर घुटना झुकेगा हर जवान को निकाल करेगी प्रभु यीशु मसीह प्रभु है जो उद्धार करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं आपको मुझे जरूरत है कि हम निकाल के प्रभु को मेरा उद्धार करें, मेरे घर का तू रखवाला है, तू यहोवा निस्सी है, तू यहोवा राफा है, तू जहोवा जायरे है, तू मेरा रखवाला है, तू मेरे घर का निगरान है, तू मेरी रक्षा करता है। जब आप ये कन्फेस करते हैं मुझसे अंगीकार किया जाता है तब परमेश्वर को विश्वास करता है। इफ यू डोंट कन्फेस अगर मैं अंगीकार नहीं करता अपने मुंह से तो कहीं ना कहीं मेरा जो विश्वास है वो कमजोर है। फिर उस थोमा की हम बात करते हैं तो यहां पर दिखता है कि आज के दिन जब वो दिखा तो उसके मन में एक डाउट आया और उसका नाम दिदुमुस भी है, दिदुमुस जिसको ट्विन जिसका मतलब है ट्विन या जुड़वा या इसको अगर सिंपल शब्दों में कहेंगे तो दो विचारों वाला, दो विचारों में, एक विचार में नहीं दो विचारों में रहता है, यहां पर भी यहां पर भी वहां पर भी वहां पर भी, कभी एक विचार नहीं बन पाया कि मैं सच में मेरा खुदा को यीशु के अलावा कोई दो विचारों में दो नावों में दो विचारों वाला नहीं है, एक विचार वाला नहीं है, वी हैव टू बी वन गॉड, हमें एक विचार वाला मसीह, मैं 10 विचार वाला दो विचार वाला ट्विन यानी कि दो विचारों वाला। और इसको इसको नाम दिया डाउटिंग थॉमस, द वन डाउटिंग द रिजरेक्शन। और डाउट का सिंपल मीन होता है लैक ऑफ फेथ, आप जितना विश्वास करेंगे आपका शक उतना कम हो जाएगा, आप जितना शक करेंगे किसी चीज पर आपका विश्वास उतना कम होता जाएगा। डाउटिंग थॉमस, देयर आर मेनी पीपल हु इज लाइक थॉमस डाउटिंग द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। आज मसीह
चर्चेस में बहुत से कलीसियाओं में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डाउट करते हैं प्रभु के बहुत से काम में सच्चे मन से विश्वास नहीं है. दे कम टू चर्च, दे वर्शिप द लॉर्ड, दे गिव टाइम, चर्च फ्रेंड्स, दे आर पार्ट ऑफ वर्शिप, बट दे डोंट बिलीव फ्रॉम देयर हार्ट कि प्रभु सच में मेरा उद्धार करता है. और अगर आप रोल के बारे में पढ़ेंगे तो यहां हम हमेशा उसको देखते हैं कि आप विश्वासी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति जिसने विश्वास किया, कैसा व्यक्ति जो कहता है जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं विश्वास ना करूंगा. अच्छा व्यक्ति नहीं है जिसने यीशु के रिजरेक्शन पर विश्वास ना किया. लेकिन स्तोमा के बारे में अगर आप देखेंगे तो अगर आप मत्ती 10:3 पढ़ेंगे, मत्ती 3:18 पढ़ेंगे, लूका 6:15 पढ़ेंगे, प्रेरितों के 1:3 पढ़ेंगे, यमुना 21:2 पढ़ेंगे, यमुना 14:5-6 पढ़ेंगे तो यहां पर स्तोमा के बारे में और थोमा के बारे में यह दे रखा है कि जब लाजर को पास जाने की बात हुई तो कोई नहीं बोला लेकिन थोमा ये बोल बैठा कि आप हम यीशु मसीह के साथ मरने को चले. एक साहस को वो दिखाता है या अविश्वासी उस टाइम पर तो दिखा यीशु ने कहा देख कर करता लेकिन धन्य को जो बिना देखे विश्वास करते उस वक्त इसका जरूर एक क्रिटिकल वे में वो पूछता है. जॉन इसको जो पोर्ट्रेट करता है वो क्रिटिकल थॉमस के जो क्रिटिकली उस चीज को लेगा. हमें जब थियोलॉजी सिखाई जाती थी तब ये है कि जैसा पढ़ा वैसा नहीं लेना है कि यहां ऐसा लिखा तो वैसे समझ लेना. वी नीड टू टेक इट क्रिटिकली. व्हाई जीसस सेड लाइक दैट, उसने क्यों कहा, क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या संदर्भ था, किस उसने प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, क्या ऐसी सिचुएशन थी जब यीशु ने ऐसा बोला, ये पैराबल क्या वहां का माहौल था, कौन वहां पर लोग थे. क्रिटिकल. यहां पर हम देखते हैं कि जब हम स्तोमा की बात करते कहता आओ मरने को चले एक साहसी व्यक्ति के रूप में कि मैं यीशु तेरे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहने के लिए तैयार हूं. कैसी भी परेशानी आए लॉर्ड आई एम विद यू. परेशानी हो सपनी हो मैं तेरे साथ खड़ा, कोई भी परेशानी नहीं. और फिर जब स्तोमा की बात करते आपको पता है इंडिया कौन आया, थोमा. थोमा जस्ट बिकॉज ऑफ थॉमस केम टू इंडिया. हम अगर यहां है तो इसलिए है कि किसी व्यक्ति ने अपना सब कुछ छोड़कर यहां आया और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आया. अगर वो ना आया होता तो शायद ना होगा क्या ना केम टू केरला फर्स्ट. महीनों की यात्रा करके जहां पर लिखा है चेले तितर बितर होगा यीशु मसीह ने एक जगह लिखा है एक समय आएगा जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे मुझे छोड़ दोगे लेकिन मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ. तितर बितर होगा जब सब चेलों ने सोचा कहीं नहीं जाएंगे यही प्रचार करेंगे यरूशलेम में करेंगे. तब थोमा ने किसने लिया आज मन टू इंडिया वहीं पर वो शहीद हुआ. और लास्ट बार में बता रहा था लास्ट टाइम मैंने बताया द ब्लड ऑफ द मार्टर इज द सीड ऑफ द चर्च. Somebody died for us. कोई शहीद हुआ उसका जो लहू बहा वो सीड बना चर्च का जिसके द्वारा बहुत से कलीसियाओं के लोग जमा बहुत सी कलीसियां तैयार हुई. और अगर वो थोमा नहीं आया होता, अगर विलियम बटलर नहीं आए होते, अगर रेवर बॉर्डन नहीं आए होते तो आप और मैं यहां पर आराधना नहीं आते. Somebody sacrificed. किसी के बलिदान के कारण आज हम यहां बैठे हैं जो साथ में करते बात करते हैं. डाउट क्या मैं और आप डाउट करते हैं कि जब बटन आए आए भी या नहीं किया या हम लोगों ने मिलकर ही चर्च बना दिया. डू बी डाउट थॉमस केम टू इंडिया. क्या मैं डाउट करता हूं कि यीशु मसीह मरा भी या नहीं मरा. तो वो कहता धन है वो जो बिना देखते थोमा 52 में आया 73 में डाइड वो मर गया शहीद हुआ हमारे लिए. वो डाउटिंग थॉमस नहीं बना रहा वो विश्वास. प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप विश्वासी ना रहे परंतु विश्वासी रहे. कई बार मैं प्रार्थना करता हूं आप प्रार्थना करते हैं विद डाउट. प्रार्थना तो करते हैं लेकिन डाउट करते हैं प्रभु ये होगा या नहीं. वचन पढ़ते हैं प्रभु का वचन मुझे सामर्थ देता है मुझे सिखाता है लेकिन विदाउट द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड विदाउट द पावर ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट विदाउट द पावर ऑफ द क्रूसिफिक्शन हम डाउट करते हैं.
विश्वास से मत मान, और तो विश्वास से मत, ऐसा मसीह मन जो विश्वास करता है, ऐसा मसीह मत मान कि जब कभी तो विश्वास किया कभी विश्वास हो गए। लेकिन थॉमस आया और एक साहसी व्यक्ति है जो कहता है प्रभु के साथ मरने को चले, तैयार है प्रभु के साथ मरने के लिए, और सच में सुसमाचार के लिए वो क्या हो गया, मर। दूसरी चीज आप देखा, आप देखिए द ग्रेट कमीशन क्या है, गो एंड प्रीच द गॉस्पल, जाओ और सुसमाचार प्रचार। कितने लोग आज इस ग्रेट कमीशन को समझते हैं, कितने नहीं समझते हैं। लेकिन थॉमस ने इस बात को समझा और उसे पता है कि ग्रेट कमीशन मुझे मिला है कि आई नीड टू गो टू द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मुझे जाना है और मुझे सुसमाचार को फैलाना है, उत्थान की सामर्थ्य लोगों को बताना है कि मेरा यीशु तो मरा हुआ यीशु नहीं है लेकिन वो जी उठा, उसकी कब्र अब खाली है, वो वहां नहीं है, मेरे यीशु ने तो ये जान दिया और मृतकों को जी उठाया, वो जाकर वो बताता है उत्थान की सामर्थ्य। यीशु मसीह ने कहा 10 दिन तक ठहरे रहना तब तुम परमात्मा की सामर्थ पाओगे, जब तुम परमात्मा की सामर्थ पाओगे तब यरूशलेम में, जूडिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे जवाब। और वहीं भी बैठ के रह गया वो परमेश्वर के वचन को लेकर, आगे जानता उसने उस ग्रेट कमीशन को पूरा किसी की कीमत, उस सामर्थ से भर के आया परमेश्वर प्रणाम लेके विश्वास क्या है, आशा की वस्तु का निश्चय और अन्य
अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। और फिर वहां पर देखिए क्या लिखा है, दो बातें बताऊंगा मैं, पांच मिनट होते ना खत्म कर दूंगा। वल्का 11:7 में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन सब बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर धरती के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बना। परमेश्वर ने आज कहते जहाज बना, वल्का जो चीज दिखाई ना पड़ती थी उसने विश्वास करा। अब्राहम के लिए लिखा है, अब्राहम विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरासत में लेने वाला था और ये ना जानता था कि मैं किधर जाऊं। उसको नहीं पता था उसे कहां जाना है। परमेश्वर ने उससे कहा तुझे जाना है, उसको ना पता कि कहां जाना है क्या करना है, लेकिन एक विश्वास का कदम उसने उठा दिया परमेश्वर। ऐसा नहीं हुआ कि खुदा ने कहा देखिए जगह में तुझे दिखाता हूं इतनी बड़ी जगह है ऐसा ऐसा है यहां पर ऐसा ऐसा होगा अब तुझे यहां जाना है, उससे कहा पहले तू जा जब तू छोड़ेगा सब तुझे। और विश्वास का एक उसने फेथ का एक स्टेप लिया, विश्वास से एक कदम उसने बढ़ाया, वो चीज खुदा ने उसे दी तो उसको कामना विश्वास का कदम। पहले विश्वास करना है, प्रभु जरूर आपको अपने आप को आशीष देगा। अगर कभी विश्वास की निकाल विश्वास करना उसे प्रसन्न करना ढूंढना है। और फिर 13-14 निकाल ये सब विश्वास की ही दशा में मरे और उन्होंने पृथ्वी पर की हुई वस्तुएं नहीं पाई पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं जो ऐसी बातें कहते हैं जो प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है और जिस देश में वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। 27 पद में लिखा है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ बना। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जब हम उस डाउटिंग थॉमस की बात करते हैं ये उसने डाउट तो किया लेकिन इसका डाउट हमेशा। दूसरी चीज साहसी है, ओबीडियंस इसके अंदर है, उसने ग्रेट कमीशन को पूरा किया पीछे नहीं लौटा, दृढ़ है अपने आप में और खास तौर से प्रभु यीशु मसीह की डिविनिटी में वो विश्वास करता है। ग्रेट प्रभु जो चेले ना बोलता जो दाखू लेता जब तुम फिर राज्य में आए तो मेरी सुन उसने देखा नहीं था वो राज्य लेकिन जाते जाते मरते मरते वो शारीरिक जीवन में नहीं जीना चाह रहा था कि मुझे बचा ले, वो कह रहा था अभी तो मैं मर रहा हूं कोई बात नहीं मुझे कोई बात चिंता नहीं लेकिन जब आएगा तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर डाउट्स। अपने डाउट्स के बारे में डरना कि मैं बहुत डाउट करता हूं मैं बहुत संदेह करती हूं कैसे होगा, टॉक योर डाउट्स टू जीसस, ब्रिंग योर डाउट टू जीसस, परमेश्वर के पास आए और प्रभु से कहें प्रभु मुझे संदेह करने वाला नहीं लेकिन मुझे विश्वास कर आपके वचन पर विश्वास। अगर डाउट कहीं पर भी आता है तो उसमें ऑनेस्ट रहे कि हाँ मैं डाउट करता हूं तब प्रभु आपके पास तो परमेश्वर से कहे परमेश्वर मेरे डाउट को दूर कीजिए मैं विश्वासी रहना चाहता हूं विश्वासी रहने चाहती हूं और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं करना चाहता जो आपके कामों पर आपके जन्म पर आपकी मृत्यु पर आपके रिजरक्शन पर आपके वापस आने पर जब इस देश में हम शामिल होते हैं मेरे भी दुआ करें कि खुदा मेरे जीवन में संदेह को दूर करे और जब मैं वचन में विश्वास करके सच्चे मन से पूर्ण मन से और जब रसूल का अकीदा मैं दोहराता हूं या दोहराती हूं तो उसको समझ सकूं और अपना जीवन आइए खुदा का धन्यवाद इस साथ आपको चरण पर है। हमने सीखा खुदा ने एक व्यक्ति ने अविश्वास किया लेकिन वो अविश्वास में बना रहा संदेह करता रहा।